आप देख रहे हैं एल आर ब्लॉग, मैं हूं तेज प्रताप यादव। आज वृंदावन में है। आज का जो हमारा सीन है वो गोकुल का सीन हम आपको दिखाने का काम करेंगे। वहां चलेंगे गोकुल, जहां भगवान कृष्ण बले पड़े और बाल अवस्था में उन्होंने वहां कई एक लीला करने का काम किया। तो आइए चलते हैं। जितने भी एल आर ब्लॉग के सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, हम ले करके आपको चल रहे हैं गोकुल, और गोकुल में क्या क्या भगवान ने लीला किया वो चीज़ आपको दिखाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं ये वृंदावन का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ एल आर ब्लॉक के माध्यम से। ये वृंदावन में कितना क्राउड है और लगातार दिन पर दिन क्राउड होता चला जा रहा है, और ख़ासकर सैटरडे संडे जो रहता है वृंदावन में, समझिए कि भीड़ उमड़ जाता है। हमारा तीसरा दिन जो कि मैं गोकुल धाम जा रहा हूँ, तो आइए हम चलते हैं गोकुल धाम। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधो को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा जी का नाम अनमोल है इसलिए राधे राधे बोलते रहना। जब तक राधा रानी का कृपा नहीं होगा तब तक आप ब्रज नहीं आ सकते हैं, इसलिए राधा रानी की कृपा होना अति अनिवार्य है। समझ में आई बात एल आर ब्लॉक के व्यूवर्स? इसलिए तो मैं कहता हूं आपको कि एल आर ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आ गया हूं यहां गोकुल धाम में, और गोकुल धाम का एल आर ब्लॉग के जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपको विजिट कराता हूँ। ये पूतना कुंड है ना बाबा, तो यहाँ के बारे में थोड़ा महत्व बता दिए हमारे यहाँ कैमरा में। यहाँ जो है पूतना लेकर के आई जो है कृष्ण को, कृष्ण को पूतना लेकर के आई, तो पूतना ने मारने के लिए प्रयास बहुत किया कृष्ण को, लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा आंचल पकड़ लिया कि उसको वहीं वहीं मार दिया और उसको जो है वहीं वहीं दफन कर दिया। और यहाँ आंचल, अच्छा, जैसे पूतना उड़ते हुए आई थी और यहीं गिर गई थी। वो क्यों? वो जादू वाली थी, माया रूपी थी। अच्छा, तो भगवान को लेकर के उड़ा कर एकदम भागी। अच्छा, उड़ा के वो दूध पिलाने के बाद दूध के बाद भगवान ने देख लिया कि उसमें विष है, तो स्तन को काट दिया, यहीं घेर दिया। अच्छा, यही कुंड है, यहीं पे गिरा, यहीं पे गिरी थी पूतना। इस तरीके से बाबा ने बताया कि पूतना कुंड है ये, और इसी पूतना कुंड में जो है कि वो जो गिरी थी यही है वो स्थान है। तो ये स्थान है एल आर ब्लॉक के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। ये पूतना कुंड है, यहीं पे गिरी थी वो पूतना, यहीं पे अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वध किया था उसका, पूतना का। यही वो स्थान दिखा दिया अभी जिन अवस्था में पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं एल आर ब्लॉक के माध्यम से मैंने आपको पूतना कुंड दिखाने का काम किया। अब चलते हैं रमन रीति जो मंदिर है वहाँ, आप 84 खंभा, तो आइए वहाँ का क्या महत्व है उसको भी आपको इस एल आर ब्लॉक के माध्यम से आपको दिखाने का हम काम करेंगे। आइए चलिए। तो मैं यहाँ जब भी आता हूँ यहाँ गोकुल में तो इनके पास चंदन में लगाता हूँ इसका साइड में थोड़ा सा। आप लोग दर्शन के लिए आए हैं? हमेशा आते हैं आप लोग? तो कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा, कोलकाता से। ठाकुर जी हैं, दर्शन हो गया अंदर? अच्छा, कीजिए।
हम तो यहाँ 15-20 साल से आ रहे हैं। आपका क्या नाम है, नाम बताओ पहले। नाम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी हैं, ये बताएंगे यहाँ के बारे में, जानकारी देंगे हमारे LR ब्लॉक के सब्सक्राइबर्स। नंद भवन 84 खंबा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस पिलर का बाबा महत्व बताइए हमारे दर्शकों को। बोले बाल कृष्ण भगवान मान की जय। देखो जहाँ आप लोग बैठे हैं या खड़े हैं सब लोग, इस स्थान को बोला जाता है नंद भवन। नंद भवन, इसके अंदर में जो 84 खंभा है, ये हमारे तो पूर्वज ऐसे ही बताते हैं कि इसको विश्वकर्मा देवता बनाया है, शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है और यहाँ ASI का बोर्ड भी लगा है। अभी यहाँ पर ये जो 84 खंभा है, इसकी परिक्रमा करने से 84 कोस यात्रा का फल प्राप्त होता है। कृष्ण के जो बड़े भाई थे दाऊ जी बलराम, उनका भी गोकुल में जन्म हुआ है। ये चार खंभा इसमें एक विशेष महत्व रखते हैं। हाँ देखिए सर, आप देखिए, ये सतयुग, सतयुग है, ये सतयुग का पिलर है। क्या ये सतयुग का पिलर? जैसे कि ये जो आप ये देख रहे हैं निशान, तो इसका प्रतीत है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में इसको इस्तेमाल किया गया था, समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें चिन्ह प्राप्त होता है ये वाला। अच्छा ये वाला है। तो इसको सतयुग का बोला गया, सतयुग का, इसको त्रेता युग का। अच्छा इसको त्रेता युग का बोला गया, जानकारी मैं भी नहीं रखता। हाँ हाँ, लेकिन ये जो है तेरा त्रेता युग रामा अवतार का वर्णन है। हाँ, इसको द्वापर युग का वर्णन है। हाँ ये जो है द्वापर युग का वर्णन है, सतयुग त्रेता द्वापर, द्वापर और ये कलयुग, और ये कलयुग का ये पिलर, ये वाला पिलर जो था। और आगे में नंद महल है, इसी भवन में भगवान श्री कृष्ण दौरा करते थे, खेला करते थे इसी भवन में, यही है भवन। चोर गली, चोर गली का तात्पर्य माखन चोरा चोरा के, चोरी चोरी छुप छुप के गलियां यहां खाते थे। अच्छा चोर गली, अच्छा इसी चोर गली भी बना हुआ है इसमें, जो 84 खंभा है, जो भगवान का महल है। मैया यशोदा जो माखन निकालती थी तो चुरा चुरा के इसी गली में भगवान मतलब घर में अपने खाते थे यहीं बैठ के। तो ये वो स्थान है जो आपको मैंने दिखाने का काम किया, 84 खंभा। अब अंदर मंदिर जहाँ है वहाँ को ले, राम की जय। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ समय पहले जब मैं आया था तो डोनेट किया था मैं यहाँ, तो ये पत्थर भी लगा है इसमें, हमारा नाम है, आप दिखा सकते हैं गोकुल 84 खंभा, जो ये गोकुल में है भगवान के महल में। तेज प्रताप यादव, ये पिताजी का नाम, ये माता जी का नाम लिखा हुआ है, ये 10 सर्कुलर रोड, ये जो पंडित जो लिए थे जिनको दक्षिणा, उनका नाम बाबा है भगवान के पिता। जी जी, इधर मैया यशोदा जी हैं। जी जी, बीच में बलदाऊ जी हैं। जी, ये बलदाऊ जी का जन्म स्थान है। जी, भगवान झूला में झूलते हैं। जी, ये आपके पूर्वजों का जन्म स्थल ही है, आज यादव जी कहीं। हाँ, ये तो वंशियों का इतिहास है, लेकिन यहीं से गए हैं सब जगह। जी जी, यहीं से गए सब जगह। कृष्ण बलराम की जय, दाऊ बाबा की जय, कृष्ण भगवान की जय। भगवान आपका राज अपना उन्नति करे। जी जी, आनंद रहे, यश रहे आपका, वो गुणगान आपके। नंद बाबा का दर्शन है, ये जगन्नाथ बद्रीनाथ कृष्ण बलदेव जी के पिता हैं। बोलो नंद बाबा की जय। आपके दाहिना हाथ का तरफ गोरी मैया यशोदा जी हैं, यहाँ 9 लाख गाय के दूध से माखन निकाला करती थी, कृष्ण बलराम की माँ है। बोलो यशोदा मैया की जय। बीच में बड़ी मूर्ति बलदेव जी की है,
ये कृष्ण के बड़े भाई हैं, शेषा अवतारी हैं। रामा अवतार में राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण बने थे और कृष्णा अवतार में बड़े भाई बलराम। माता रोहिणी के गर्भ से यहाँ अवतरित हुए। ये बलदेव जी का जन्म स्थान है। बलदेव जी के स्वरूप को देखिए, सात फन का शेषनाग रक्षा करता है, ये शेषा अवतारी। माथे पर मुकुट है, ठोड़ी में हीरा की कनी है, गले में कंठा है, हाथ में माखन मिश्री का प्याला है। यहाँ भगवान कृष्ण दाऊ जी गोपियों के घर से चोरी करके माखन मिश्री खाए, वो भगवान को माखन मिश्री भोग लगता है। जन्माष्टमी जो आप लोग घर में व्रत मनाते हैं, रात्रि के 12 बजे तक अन्न नहीं खाते, अपने घर में गोपाल जी को पंचामृत अभिषेक करते हैं, टीवी पर नंद उत्सव का प्रोग्राम देखते हैं, नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, यही नंद बाबा ने मनाया है भगवान के अवतार की खुशी में। आज भी यह नंद उत्सव मनाया जाता है और ये कन्हैया झूला में झूलते हैं। सभी जगह कृष्ण है और गोकुल में प्रभु बाल कृष्ण है। यहाँ मैया यशोदा ने पुत्र भाव से तीन लोग के नाथ को झूला में झुलाया है। जो भक्त सच्ची आत्मा से यहाँ आकर के ठाकुर जी का झूला झुलाते हैं, उनकी काया निर्मल होती है और मन मनोकामना पूर्ण होती है कलयुग में। ये आज भी प्रभु का चमत्कार है। बोला दाऊ जी महाराज की जय। यहाँ पे जितना नंद महल में जितना भी 84 खंभा है, इसको आप गिन नहीं पाइएगा। आप गिनिएगा तो भूल जाइएगा। तो नंद किला का ये शाही कोना, अच्छा कोना, यहाँ पे कुआ है, अभी तो शायद सूख गया हो उसमें। ये भी तो नंद का, ये भी नंद किला है, उसी के जगह में है सर। वो जो सूखा सा पेड़ है ना, वो वाला, हाँ, उसके पर नजदीक में तो वहाँ कुआ ऐसा है कि जो नीचे सड़क है, वो सड़क तो नीचे है और पानी उससे ऊपर ही है। ये पारस विफल है। जब भगवान गाय चरा कर आते थे, हाँ, तो यहाँ बैठ के बांसुरी बजाते, शाम को यहाँ बैठ करके भगवान जब गाय चरा के आते थे तो इसी पेड़ के नीचे भगवान विश्राम करके बांसुरी बजाया करते थे। ये वो वृक्ष है। अब पांच तरीके का फूल इसमें अभी भी निकलता है इसी पेड़ में। नंद बाबा का गौशाला गोकुल। अच्छा, पहले भी भगवान की जो गाय थी यही रहती थी? पहले तो ये पूरा जंगल था, 9 लाख गाय थी, पूरा 9 लाख गाय थी यहाँ। क्षेत्र का नाम श्रीमद् भागवत में बृहद्वन क्षेत्र से आता है। हाँ, बृहद मीन्स बहुत बड़ा बड़ा, इसलिए नाम हो गया इसका महावन।
तो मैं आ गया हूँ यहाँ गोकुल का ब्रह्मांड घाट। आपने अभी देखा कि 84 खंभा आपको दर्शन करा है, अब आ गया हूँ ब्रह्मांड घाट का जो महत्व है आप बताइए यहाँ का महत्व। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने आते थे तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में माटी खाई थी, तो सब गोपियों ने माता यशोदा शिकायत की थी कि तेरे लाला ने माटी खाई। तो यशोदा बोली कि मैंने माटी नहीं खाई, मेरे लाला ने माटी नहीं खाई, बड़ा भाई बलराम माटी खा गया होगा। तो सब गोपियों ने बोला कि नहीं नहीं तेरे लाला ने माटी खाई। तो यशोदा ने तमाचा मारा और भगवान कृष्ण ने अपना मुख फाड़ के दिखाया, आताल पाताल ब्रह्मांड, संसार का दर्शन प्रभु ने अपने मुख में कराया, तब ये घाट का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। यशोदा सुनमाई और तेरे लाला ने माटी खाई। तो मैंने आपको गोकुल में जो ब्रह्मांड घाट था उसको मैंने अभी आपको दिखाने का काम किया कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में जब यशोदा माँ नहाने गई तो वो चुपके से मिट्टी खा लिए, और फिर उसके बाद यशोदा माँ ने जब मुंह खोलने के लिए कहा तो भगवान कृष्ण ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया अपनी माँ को, और वो सीन आपको दिखाने का काम किए। और आज हम जो हमने जो ब्लॉग किया है एलआर ब्लॉग के जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों ने गोकुल धाम को पूरे धाम को मैंने आपको दिखाने का काम किया, कैसा लगा आपको आप अपने एलआर ब्लॉग पे कमेंट में लिखने का ज़रूर काम करेंगे, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने का आप काम कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ब्लॉग देखते हैं ज़रूर लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेम जो दिखाने का काम किया 100K और हमें जो ब्लैक टिक मिलता है यूट्यूब पे वो भी यहाँ धाम पे आए तो देखिए ब्लैक टिक भी हमको मिल गया, तो हम ये कहेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए। आप देख रहे थे एलआर ब्लॉग, मैं हूँ तेज प्रताप यादव, धन्यवाद। राधे 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 राधे।